तब नहीं रहा जब महिलाएं स्वयं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करने में झिझकती थी। जागरूकता बढ़ाने के साथ आज महिलाएं अपने मुद्दों को बिना संकोच के रखती हैं, परंतु समय के साथ भी नहीं बदलती है तो कुछ लोगों की सोच। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते और वो इसका उपहास उड़ाते नजर आ जाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब ऐसा किसी महिला के द्वारा ही किया जाता है। एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रा ने सरकार द्वारा मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग उठाई, तो इसके जवाब में बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक और IAS अधिकारी हरजोत कौर ने कुछ ऐसी बात कही जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज आप सैनिटरी पैड की मांग कर रही हैं, कल गर्भ निरोधक भी मांगेंगी, और ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या छात्रा द्वारा पूछे गए एक साधारण से सवाल का इस प्रकार से जवाब देना एक वरिष्ठ पदाधिकारी और बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की MD हरजोत कौर को शोभा देता है। आपको बता दें कि यह मामला बिहार के महिला विकास निगम और अन्य दूसरे संगठनों के साथ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान का है, जहां पर बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी और बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की MD हरजोत कौर बमरा को कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए निगम और यूनिसेफ के द्वारा आयोजित सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम में पहुंचना था। इस दौरान वहां मौजूद एक छात्रा ने उनके समक्ष फ्री सैनिटरी पैड की मांग रखी, तो अधिकारी ने इस पर बड़े ही तीखे शब्दों में जवाब दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो गया और अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने पूछा कि सरकार छात्रों को स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति, साइकिल और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करती है, क्या वह छात्राओं को 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड प्रदान नहीं कर सकती। छात्रा द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद IAS अधिकारी हरजोत कौर ने इसका बड़े ही तीखे शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, लोग सवाल पर ताली बजाते हैं, परंतु क्या इस प्रकार की मांगों का कोई अंत है। अधिकारी ने कहा, सरकार आपको 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड उपलब्ध करा सकती है, लेकिन फिर आप जींस पैंट मांगेंगे, वो भी सरकार देगी, लेकिन जब परिवार नियोजन की बात आती है तो क्या सरकार आपको निरोध भी उपलब्ध कराएगी। हमें सरकार से सब मुफ्त लेने की आदत आखिर क्यों है। IAS अधिकारी के इस अटपटे जवाब पर छात्रा ने पलटवार किया। उसने अधिकारी से पूछा, फिर क्यों सरकार युवा छात्रों से उनका समर्थन करने की मांग करती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता के वोट से ही बनती है, जिस पर हरजीत कौर गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा, अब तो मूर्खता की सीमा पार हो गई, आप ऐसा करो, वोट मत करो और पाकिस्तान चले जाओ। क्या आप सरकार से पैसा और सुविधाएं लेने के इरादे से ही वोट दे रहे हैं। छात्रा ने फिर इस पर पलटवार किया, उसने कहा कि वह एक भारतीय है और वह पाकिस्तान क्यों जाए, सरकार हमारे ही दिए हुए टैक्स के पैसे से सुविधाएं प्रदान कर रही है, अगर हम सरकार को टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो सेवाओं की मांग क्यों नहीं कर सकते। केवल इतना ही नहीं, कार्यक्रम में जब मौजूद एक छात्रा ने जर्जर शौचालय का मुद्दा उठाया तो भी महिला अधिकारी ने एक ऐसी ही विवादित टिप्पणी की। छात्रा ने अपनी परेशानी रखते हुए बताया कि कैसे उनके स्कूल में लड़कियों के शौचालय की हालत खराब है और लड़के भी उसी शौचालय में घुस जाया करते हैं, शौचालय न जाना पड़े इसलिए वह कम पानी पीने को मजबूर है। छात्रा की इस समस्या पर हरजीत कौर कहती हैं, क्या आप सभी के घर में अलग अलग शौचालय हैं? अगर आप अलग अलग जगहों पर कई सारी चीजों की मांग करेंगे तो यह कैसे चलेगा। तो छात्राओं के द्वारा महिला अधिकारी के सामने एकदम उचित मांग रखी गई थी, वो इन मांगों को पूरा कर सकती थी या नहीं यह तो एक अलग मामला है, परंतु छात्राओं की मांग का इस तरह से जवाब देना कहां तक सही लगता है। एक अधिकारी होने से पहले वो एक महिला है, ऐसे में वही इसे गंभीरता से नहीं लेंगी तो फिर किसी और से क्या ही अपेक्षा रखी जाए। खैर, इस बीच महिला अधिकारी के इन बयानों को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस कार्यक्रम में महिला अधिकारी यह सब कुछ बोल रही थी वह उन्होंने स्वयं ही बुलाया था। कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो निश्चित तौर पर गलत था। महिला अधिकारी कोई भी हो, लेकिन उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें संयम रखने की आवश्यकता है। इस मामले में महिला एवं बाल विकास निगम की MD हरजोत कौर को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने IAS से 7 दिन में जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने भी IAS पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। हम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20-30 रुपए का ये बिस्तर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बचा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20-30 रुपए का बिस्तर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं दे सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोग भी मुफ्त नहीं देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ
मुफ्त में लेने की जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए इनकम तो नहीं होगी तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो जब तुम्हारा छोटी बच्ची है बहुत छोटी नहीं है बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह बहुत हो रहा है। इसलिए भी आती है कितना अच्छा से क्या वोट लेने के लिए आती है तो वो सब नहीं है। अच्छा मत तो तुम वो सरकार तुम्हारी है बेवकूफी की इंतहा है। नहीं नहीं मत तुम वो बन जाओ पाकिस्तान।